चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चन्नी सरकार ने 36,000 मुलाजमान का एक शुकफा जिन्होंने अभी कह दें एक छड़ती छोरली छड़ती भी 36 मुलाजम पक्के कर रहे हैं। हूँ इन्होंने एक्ट पास करता वो सोधा कीतिया ने, सोधा की कीतिया ने, जेड़े मुलाजमान लिए एक्ट बनाया कि उन्होंने बाहर कड़ता मुलाजम एकता मुलाजम एकता। पिछलियां सरकारां हमेशा समय समय से कहंदी आ रही हैं भी असीं ठेके के आधार से काम कर रहे कर्मचारियों नूं पक्का करांगे, सत्ता तो आने तो पहला वादा कर दियां। इस कांग्रेस सरकार ने भी सत्ता तो सत्ता विच आने तो पहला वादा किया सी कि असीं साडी जे सरकार बनदी आ तां असीं ठेके के आधार जिहड़े मुलाजम नेगे उन्हां नूं पक्के करांगे पहल दे आधार से। साढ़े 4 साल पौने 5 साल बीतन के बावजूद सरकार ने कोई स्टैप नहीं लिया। अखीर ते चन्नी सरकार ने 36,000 मुलाजमान का एक शुकफा जिन्होंने अभी कह दें एक छड़ती छोरली छड़ती भी 36 मुलाजम पक्के कर रहे हैं, लेकिन इन 36,000 मुलाजमान में किहड़े विभाग के किहड़े मुलाजम को पक्का किया जा रहा यह किसी को कोई पता नहीं दस्सिया गया। ये पंजाब सरकार या किसी भी सरकार के दो पिलर होंगे ने सेहत ते सिक्ख्या, ना ये सेहत को लिया गया ना सिक्ख्या के मुलाजमान को लिया गया, ये किसी भी तरह के मुलाजम को लिया गया। यहोजी टर्म कंडीशन पाई गई जिस करके जे मुलाजम 36,000 मुलाजम पूरे हो ही नहीं रहे। ये सिर्फ एक छुरली छड़ी है पंजाब सरकार ने वोटों को देखते हुए। असी पंजाब सरकार को अपील करते हैं, मंग करते हैं भी जिहड़े पिछले NHM के जिहड़े कर्मचारी पिछले 15 साल तो निर्विघन अपनी सेवावां दे रहे हैं, पंजाब के लोगों के वसनीकों लिए दे रहे हैं, इन कोविड में भी यही 24 घंटे काम करते हैं, डेंगू में भी यही काम करते हैं, जिहड़ी भी कोई पंजाब विपता आती है हैल्थ की कोई डिजीज़ आँदी है वो सिर्फ एक सिर्फ इन्होंने कोरोना योद्धे के तौर पर NHM के काम ही याद आते हैं। पूरे पंजाब के जिन्हें भी NHM के कर्मचारी है चाहे वह डॉक्टर है चाहे वह पैरामेडिकल स्टाफ आ चाहे वह एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आ चाहे वह क्लैरिकल स्टाफ आ चाहे वह लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टाफ आ चाहे वह क्लास 4 आ कोई भी वर्कर आज तो स्ट्राइक से जा रहा जी। हुण असी मल्टीपर्पज हैल्थ वर्कर स्टाफ नर्स सारा क्लैरिकल स्टाफ जिहड़ा गा असी अनमिथे समय लिए स्ट्राइक ते आंगे क्योंकि असी पहला 15 तरीक नूं असी मार्कशीट लैके सरकार नूं इह कहा सीगा कि साडी जे मंग नहीं मन्नी जांदी तां असीं अनमिथे समय लई स्ट्राइक ते जावांगे ते उहदी जिम्मेवार सरकार होगी क्योंकि सानूं 15-16 सालां तों असीं NHM दे विभाग दे विच ही कम कर रहे हां ते कम असीं पंजाब सरकार लई कर रहे हांगे। असी करोना समय दे विच भी असी ओह किहड़ी जगह जिथे सानूं इहनां ते ने साथों कम नहीं लिया, असी आइसोलेशन च असी करोना पेशेंट्स नूं असी अपने बच्चों नूं दूर किया अपने परिवारों नूं दूर किया, असी महीना महीना उन्हां नूं मिलदे नहीं सीगे, फिर भी सरकार ने उस समय सानू कहा भी तुसी एक बार ये टाइम लंघाओ उस तो बाद असी थोड़े बारे सोचते हैं। सानू धरनिया से भी भेजे फीमेल स्टाफ असी स्टाफ नर्स असी धरने असी नाकियां ते जाके भी सैंपलिंग की पुलिस दे नाल भी असी सैंपलिंग ली गए पर फिर भी ये सरकार ने साडे बारे बिल्कुल नहीं सोचिया। असी इन्ने सालों तो असी 15-16 हज़ार से कम कर रहे हैं, 15-16 हज़ार से असी अपने बच्चे एक दिन यह 15-16 हज़ार ना लंघा के दिखा देन चन्नी आप सर लंघा के दिखा देन भी 15-16 हज़ार नाल ते असी महीना महीना अपने बच्चों लिए असी अपने सारे दे मुहां नूं बंद कर दिया कि नहीं सरकार साडा कुछ करूगी, नहीं असी रेगुलर हो जाएंगे, हो सकता सरकार साडा कुछ करे पर इसे तरह असी सड़कां ते रुलदे आ रहे हैं। बादल सरकार ने भी साडे लिए एक्ट पास किया सीगा कि जिहड़े NHM वाले हैगे सेंटर गवर्नमेंट दे अंडर काम करदे उन्हां नूं एक्ट दे अधीन लैके असी रेगुलर करांगे, उन्होंने भी ये सारा टाइम जड़ा सीगा कोड ऑफ कंडक्ट लगवाता लंघाता टपाता। उस तो बाद अकाली कांग्रेस सरकार आई उन्होंने कहा सी आउंदिया ही असी पक्के करांगे थोनू असी घर घर नौकरी देवांगे, असी उन्होंने बहुत वादे किए सी पर उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। चलो तो अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर भी चले गए, इन्होंने चन्नी नूं लाता, उन्होंने भी हुण सानू ये सी आस बनी सी कि असी भी साडा कुछ करनगे उह पर उन्होंने भी आपदा टाइम टपा रहे आ उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हुण सिर्फ साढ़े 20 दिन रह गए जिहदे विच सानू आस आ कि हुण भी साडी इह सुन हुण इन्होंने एक्ट पास करता उहदे विच सोधां कीतियां ने, सोधां की कीतियां ने, जिहड़े मुलाजमां लई एक्ट बनाया सी उन्हां नूं बाहर कढ़ता, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े अंडर काम करते सी उन्हां नूं उहदे विच लै लिया, जदों कि जिहड़े पंजाब गवर्नमेंट के अंडर काम करते मुलाजमान उन्हां नूं इह सीधे 3 साल बाद इन्होंने रेगूलर करना हुंदा गा।
इन्हों ने जिन्ना लिए एक्ट बनाया से उन्होंने बाहर कढ़ के दिखावे लिए इन्होंने 36,000 मुलाजम जिहड़ा गा उन्होंने शो करता भी असी रेगुलर करता, पर उहदे विच कढ़न पाउण नूं कुछ नहीं है। जिहड़े असली जिन्हां नूं रेगुलर करना सी उह हजे भी रुलदे फिरदे आगे, असी हजे भी रुलदे फिरदे आगे। हुण असी सीधा असी यही कहने सरकार नूं कि सानूं चैलेंज, असी यही चैलेंज करदे कि सानूं रेगुलर करो। नहीं असी इत्थे बैठे हां सानूं एक्ट दे अधीन लै के, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਨਐਚਐਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ।